सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम हैं होटल रूम में और अभी तो हम सो के उठे हैं और बाकी लोग रेडी वेडी हो रही है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। वहाँ पे इवनिंग का आरती होता है, बहुत ही अच्छा होता है सुने हैं। तो फिर हम लोग वहीं पे जा रहे हैं एंड बाकी लोग तो रेडी हो रही है। तो गाइस मिलते हैं रेडी होने के बाद में। सो गाइस, अभी हम लोग ये होटल बुक कर लिए हैं, मतलब ये रिजॉर्ट है, इसका नाम है क्रिस्टी रिजॉर्ट, जो कि इस तरह दिखता है और यहाँ काफ़ी प्यारा है और यहाँ से ना बीच बहुत नज़दीक है, बीच का व्यू बहुत अच्छा आने वाला है। सो स्टे ट्यून, अब चलिए दिखाते हैं रूम में रूम कैसा होगा। आगे तो बोलो। गाइस सबसे पहले आप ये व्यू देख लो, ओ माय गॉड। थोड़ा कॉस्टली पड़ा क्योंकि इतना सुंदर व्यू जो है, और ये रिजॉर्ट भी है ना, और अभी सीजन चल रहा है, नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग को बहुत मजे आ रहे हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा बेड है, टीवी है, बहुत ही प्यारा रूम है गाइस, बहुत 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 सुंदर। पॉली बैठी है, बड़ा बड़ा रूम है, काफ़ी स्पेस है, हम लोग सब अट जाएंगे मतलब। और यहाँ से व्यू गाइस देख सकते हो कितना मज़ेदार है, ओ माय गॉड। रितू को कॉल आ रहा है गाइस ये सब मोमेंट भी कैप्चर करना चाहिए। क्या खाने का बोल रहा है, क्या ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहा है क्या? उसमें ना ये कुरकुरे डालते हैं। मेरे लिए है क्या? मेरे लिए है, थैंक यू निकिता। क्या हो गया? कुछ नहीं, बोले मेरे लिए है क्या? बोल दिया ले इसके ऊपर, देख रहे क्या पतला सा। आधा पर क्यों रुक जाती है? करने के लिए कहाँ जा रहे हैं ये हम लोग बताएंगे पहुँचने के बाद। ओके तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कहाँ पे लंच करते हैं, कौन सा जो भी कहाँ पे खाने को मिलता है। तो मैं सब ब्लॉग पे बने रही हूँ इतना शांत बैठी है तो जागा रेस्टोरेंट आए हैं, बहुत भीड़ है बीटीएस लवर जो है यहाँ, नहीं सुनो ना, बीटीएस लवर जो है यहाँ पे खाने आ सकते हैं। हाँ ये नाम है जागा रेस्टोरेंट। तो अभी हम लोग खा रहे हैं वेज थाली क्योंकि हम लोग को जाना है मंदिर के सामने, तो इसलिए हम लोग खा रहे हैं। हाँ ये फ्रेंच फ्राइज सबसे अभी हम खाए हैं, हम लोग वो वाला हम करते थे ना स्कूल में, कैसा वाला बनता था हमको। अरे तो कुछ, हाँ वो सब्जी है, आलू भी है। सो अभी हम लोग आ चुका है वेज थाली, ये सब्जी तो इतना सारा लग रहा है और खाना कम लग रहा है ये चम्मच लाने को नहीं क्या? उधर उधर। और एक वेज बिरयानी था भैया, वेज बिरयानी सब्जी में दाल में नहीं, दाल में नमक ही नहीं है।
है गाइस, कोली का बिरयानी है, वेज बिरयानी खा के देखते हैं। अब आप खा लेते हैं, यह है दोपहर का व्यू। दूर से तो बहुत मस्त लग रहा है, तो ना एक साथ कैप्चर हो रहा है, सामने से तो मस्त लगता ही है। तभी हमें होटल रूम में हम जाने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर। सो फिर हम लोग पे बने रहे, मिलते हैं रेडी होने के बाद। ये है मेरा फाइनल लुक, तो आप देख सकते हो इयररिंग अच्छी लग रही है ना, तो देखो। तो मैंने पहना है ये पिंक कलर का ड्रेस, और नीचे ये फुट दिख रहा है मेरा संडे का, ये मेरा फुट लुक है। थोड़ा सा मैसी मैसी रूम है क्योंकि तुम लोग रेडी हो रहे थे। अच्छा, एक चीज से कमी हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने। आरती वहाँ पे होता है सामने, बहुत ही अच्छा वाला। सो गाइस, हम लोग कैसे लग रहे हैं बताना कमेंट करके, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं। सो ये वाला इयररिंग आज ही लिए थे, बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा पॉली, और पूरा रूम मैसी मैसी हो रखा है क्योंकि अभी हम लोग रेडी हो रहे थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर क्योंकि वहाँ पे अभी होने वाले हैं आरती होता है सामने। अच्छा सुने, किसी को देखने जा रहे हैं, और ये है पॉली। ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल, मेकअप का कमाल है गाइस। चलिए गाइस, तो मिलते हैं जगन्नाथ मंदिर में, तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, हमारे पास ये भी है, बोले तो स्टैंड। और ये है प्रिटी गर्ल। बहुत अच्छी लग रही है, ओ माय गॉड। और ये बालकनी से इतना सुंदर व्यू आता है ना, हम लोग तो हर 5-10 मिनट में देखने आते हैं। और अभी ना शाम हो रहा है, तो देख सकते हैं शाम को कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, बहुत ही मज़ेदार। ये हमारा बालकनी से दिखता है, प्रिटी प्रिटी गर्ल देखो। हेलो सो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है हमें रेडी होकर के, प्रीटी प्रीटी फील हो रहा है। मेकअप करके तो प्रीटी प्रीटी फील होता है, तो यहाँ से इस तरह का व्यू है। चले चलो चलो गाइस चलो। ओ माय गॉड, हम लोग ना सब सेम ही लग रहे हैं, पिंक पिंक। ये है नीतू का आउटफिट, और ये है एनी का आउटफिट, और ये बहुत अच्छी लग रही है लाइफ में पॉली, है ना? तो अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में हैं अभी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में हैं, देख सकते हैं। बोला तो है वो 400 मीटर के बाद मंदिर आएगा लग रहा है, और तो so अभी हम लोग आ चुके हैं मेन रोड में, हम लोग को देख सकते हैं गाइस, जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, आपके देखने के लिए बेसिकली। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ से मंदिर है, और ये पूरा मेन रोड है, और ये वाली क्या बोल सकते हैं इसको, बिल्डिंग नहीं, नहीं पता अभी हम लोग को क्या है वो, बहुत सुंदर है, बताएंगे बाद में। हाँ आओ, तुम लोग आ जाओ, पॉली आओ। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के पास दर्शन करने के लिए, तो मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिए। कहाँ पे? हाँ तो मंदिर है ना, सब बहुत कुछ दर्शन करने आते हैं शाम को, आरती भी होता है शाम को। ऊपर करो, उतना भी मत करो। हम हील पहने हैं इसलिए हम लंबे हो गए इससे। और हम लोग पहुँच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, तो दूर से कुछ इस प्रकार दिखता है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। चप्पल और पर्स दोनों साथ रखना पड़ेगा हम लोग को। नहीं, आते हैं। तो अभी इधर से एंट्री होगा, तो चल रहे हैं, देख सकते हैं। और इधर मंदिर है,
और ये वाला मंदिर है, मेन मंदिर। अरे मेरा फोन हमको लेने दो उन लोग के पास से पहले। और ये है पाली। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, और ये है निकिता, निकिता मेरी फ्रेंड, वो ना अंदर नहीं जाएगी। तो हम लोग का चप्पल जूता एंड बैग का ध्यान रखेगी, क्योंकि शायद ना अंदर में जो फोन अलाउड नहीं है, फोन कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोग दर्शन करके आते हैं। हाँ हम लोग पूछने वाले नहीं, अंदर में फोन कैमरा अलाउड नहीं है गाइस, तो इसीलिए हम लोग अपनी दोस्त निकिता को देके जाएंगे सामान, पर्स, बैग एंड चप्पल जूता, फोन भी, क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है। यहाँ वेट करना है, मेरा बैग सब रखो। तो गाइस पता है क्या, अंदर बहुत अच्छा लगा। तुम लोग कैसा लगा अंदर जा करके? बहुत अच्छा, हम लोग थोड़ा सा रास्ता खुला कहते हैं, बट कोई बात नहीं, आ गए फाइनली। नहीं, मंदिर में कैसा लगा अंदर? अच्छा था, बहुत क्लीन था, शुद्ध वातावरण बोल सकते हैं। कैसा लगा आपको मंदिर में? अच्छा लगा, बहुत भक्ति भावना वाला मंदिर था, और यहाँ पे ना बहुत साफ सुथरा, बड़ा क्लीन है, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा है फोन वगैरह लेके जाने नहीं मिलता है, वरना बहुत भीड़ हो जाता है अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे हमने सुना था बिल्कुल वैसा ही था, बहुत अच्छा। तो दोस्तों अंदर बहुत ही अच्छा मंदिर था, कार्लिंग बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा, जैसे हम लोग सुने थे वैसा बिल्कुल वैसा ही मंदिर था, बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों पता है क्या, यहाँ पे हम लोग को बैठ के बहुत अच्छा फील हो रहा है, और यहाँ पे ना बहुत भीड़ है, देख सकते हैं मंदिर थोड़ा सा दिख रहा होगा तो पीछे, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम जब सुने थे वैसे ही बिल्कुल, अरे हम लोग ट्रेनिंग करते हुए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर है, मेन मंदिर, जो कि काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा अंदर जा कर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये लोग भी यहाँ पे फोटो क्लिक कर रही है, बहुत ही शुद्ध वातावरण, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। तो हम लोग दोबारा से मंदिर के अंदर गए थे, क्योंकि ना हम लोगों को पैसा लेके नहीं गए थे मंदिर, और फिर हम लोग को बहुत सारा फैमिली के लिए प्रसाद सब भी लेना था, इसीलिए हम लोग फिर से मंदिर गए दोबारा से परिक्रमा किए। और ये रहा हम लोग प्रसाद अपने परिवार के लिए लेके जा रहे हैं, और दिखा हम लोग क्या क्या लिए, पहले दिखाओ, ये प्रसाद है, यही प्रसाद है, और ये भी कुछ कुछ है सामान, और ये प्रसाद है यहाँ का जो फेमस है। पता है कि हम लोग वहाँ गए थे जहाँ पे ओनली प्रसाद का बाजार था, अरे वही हम बोले, हम तभी बोले हाँ बाजार है, चलो हम जान गए थे कि वहाँ पे बहुत अच्छा था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये है यहाँ का स्ट्रीट, कुछ इस तरह दिखता है। गाइस आप देख सकते हैं ये है यहाँ का फेमस प्रसाद, चलिए अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लगता है इसे खाने में। यहाँ का स्ट्रीट फूड हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और ये है छेना तड़िया, छेना तड़िया, रबड़ी, रबड़ी कैसा लग रहा है? टेस्टी है, बहुत रसीला है ना, सॉफ्ट वर्जन होता है ना, रसीला है बहुत। ये कुछ नया डिश है ना, चलो खा के बताओ कैसा लग रहा है।
ये रबड़ी, छेना पड़ा, छेना ताड़िया, बहुत डिफरेंट नाम है। अब हम लोग वापस से रूम जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं गाइस। तो आज का ब्लॉग को ये पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय। डिफरेंट गया था इनका गया।